किसान साथियों नमस्कार। बात करते हैं इंदौर मंडी की फाइनल रिपोर्ट के बारे में। किसान साथियों आज शाम तक की जो फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में फुल जानकारी और फुल डिटेल के साथ बताऊंगा आज इंदौर मंडी में जो फाइनल अपडेट है वो कैसा देखने को मिला है, क्योंकि आज सारे दिन की जो उठापटक का माहौल की फुल अपडेट फाइनल रिपोर्ट के साथ किसान साथियों हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। तो चलिए किसान साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो चलिए किसान साथियों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी और सारी अपडेट के साथ बताएंगे, ये भी बताएंगे किसान साथियों जब जो माहौल है इतना घिरा हुआ माहौल देखने को मिल रहा है, मंडियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं, इनमें कब उछाल देखने को मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी और सारी अपडेट के साथ बताऊंगा। अगर आज सुपर क्वालिटी के प्याज की बात करें तो 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं पर अगर एवरेज माल की बात करें तो 800 रुपये से लेकर 1000-1100 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। और किसान साथियों अगर गोल्टा प्याज की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं छोटे प्याज की अगर बात करें तो 200 रुपये से लेकर 450 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। तो किसान साथियों स्थिति बहुत ही ज़्यादा फाइनल रिपोर्ट में भी ख़राब देखने को मिली है। अगर ऑल ओवर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 1100-1200-1200 रुपये तक के भाव में ज़्यादा रेंज देखने को मिली है। प्याज की जो नीलामी रिपोर्ट है वो ज़्यादा देखने को मिली है।